हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भेल का शरबत। भेल को ऐसे अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि भेल के फल को तैयार होने में तकरीबन 1 साल का समय लगता है। तो इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस और विटामिन्स शामिल होते हैं, तो इस सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले इस भेल को हम फोड़ेंगे। ये बहुत ही हार्ड होता है, इस वजह से इसको केयरफुली ऊपर से इसका छिलका निकाले धीरे धीरे इस तरीके से करके। देखो, भेल पकने के बाद में इस तरीके से आप देखेंगे तो ऊपर एक नेचुरली येलो कलर आता है। इस देखें, ये तोड़ने के बाद इस तरीके से इसके अंदर ये आपका जो ये पल्प या इसको गुदा बोल सकते हैं, ये सारा चीज़ हमने धीरे धीरे एक चम्मच की सहायता से एक बोल के अंदर निकालेंगे। इसके अंदर जो इसके बीज या सीड्स होते हैं वो बहुत ही थोड़े कड़वे टाइप होते हैं, तो केयरफुली इसको रिमूव करें धीरे धीरे करके। चम्मच की सहायता से हम सारे इस पल्प को एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन मैंने लिए हैं 3 बेल, मीडियम साइज के हैं। अगर बेल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप 2 ही बेल के अंदर तकरीबन 4 ग्लास आपका जूस बन जाएगा। तो जस्ट हमारा ये सारा पल्प निकाला, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड कर लेंगे और उसके बाद में हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से इस पल्प को हम धीरे धीरे मैश करना स्टार्ट कर लेंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड किया है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री ये सेहत के लिए बहुत ही ठंडी होती है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, हाथ की सहायता से हम धीरे धीरे इसको मैश करना स्टार्ट करते हैं ताकि इसके अंदर का सारा गूदा पानी के अंदर मैश हो जाए। इसके बाद अलग से एक पॉट लेके, ये जूस छानने वाली जो छाननी है, ये छाननी के अंदर से हम इस जूस को छानना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें, धीरे धीरे छानते छानते हमारा जो ओरिजिनल पल्प है, ये जूस है, वो नीचे बर्तन में आएगा और इसके बीज या जिस इसके जो रेशे हैं ये छन्नी के अंदर सिर्फ अलग हो जाएंगे। धीरे 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 करके हम ये सारे जूस को इसी तरीके से छान लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम एक ग्लास के अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखो, प्योर बिल्कुल नेचुरल कलर देखिए आप, कितना शानदार कलर आ रखा है इसका। ये ऑलमोस्ट पीने के लिए रेडी है। इसके अंदर आप थोड़े से आइस क्यूब्स, अगर ठंडा पीना चाहते हो तो आइस क्यूब से ऐड कर सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा और पी के मुझे बताइएगा कि भील का जूस आपको कैसे लगा। ऊपर थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए मिंट लीव्स ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, अगर ये भील के शरबत की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।